ये चारकोल है बैंगे कलर, और ये है वॉलनट, वॉलनट ब्राउन। पर हमने पीयू एक्सटीरियर पॉलिश की है। इस पॉलिश पर धूप और पानी का कोई भी असर नहीं होता है। घर के बाहर भी यह पॉलिश की जा सकती है। ये देखिए, ये है चारकोल कलर, जो बैंगे कलर है और दूसरा वॉलनट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है लकड़ी का पीस, इसका हम सैंपल बनाने जा रहे हैं। सागवान की लकड़ी नहीं है, लेकिन रेशे इसमें बहुत हैं। लकड़ी किसी भी प्रकार की हो, पॉलिश करने का प्रोसेस एक जैसा ही होगा। इस तरीके से पॉलिश आप लकड़ी की बनी हुई किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। सबसे पहले लेना है हमें वुड फिलर। ये देखिए, टी कलर का वुड फिलर है, 1 kg की पैकिंग है ये, और इसकी MRP है 333 रुपये। इसमें कंपनियां बहुत सी आती हैं, बस वुड फिलर होना चाहिए। कंपनी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, वाटर बेस्ड वुड फिलर। तो इस वुड फिलर से हमें लकड़ी की रिपेयर करनी है, जहां पर होल हो या फिर क्रैक वगैरह लकड़ी हो, तो वहां पर हम पहले ही रिपेयर कर लेंगे। इसके लिए हम 2 इंची की पत्ती का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे देखिए, बीच में होल है हल्के हल्के से, तो हम इससे रिपेयर कर देंगे पूरी। अगर एक बार में रिपेयर सेट नहीं होती है, तो आप दूसरा कोट भी मार सकते हैं 2-4 मिनट सूखने के बाद में। होने के बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। और दोस्तों, ये है हमारी ई बुक, इसमें आपको सभी प्रकार के पेंट और पॉलिश की डिटेल मिल जाएगी विद मटेरियल के साथ में। और इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। खरीदने के लिए आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया होता है पॉलिश पेंट करना सीखें। उस लिंक पर क्लिक करेंगे, सीधा बुक पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद में व्यू नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अमाउंट भर के नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब आप पेमेंट कर देंगे, तो वहीं पर मेरा नंबर आ जाएगा। सूखने के बाद में हमें 80 नंबर का पट्टे वाला रेगमाल लगाना है इसके ऊपर। ये देखिए, 80 नंबर का है पट्टे वाला रेगमाल, इसका प्रयोग करना है। पूरी लकड़ी के ऊपर यह रेगमाल लगाना है हमें, ताकि लकड़ी बराबर हो जाए, ऊंची नीची ना हो। और जो हमने रिपेयर की थी, वह भी इससे साफ़ हो जाएगी पूरी। इसको दबा के अच्छी तरह से लगा देना है। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर प्रकार के पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। तो देखिए, कटाई कर ली है हमने। अभी इसके ऊपर हमें मारना है 150 नंबर या फिर 220 नंबर का रेगमाल। ये वाटरप्रूफ का है, 220 नंबर का रेगमाल, सैंड पेपर, पॉलिश पेपर भी कहते हैं इसको। उसके बाद में मारना है हमें 320 नंबर का रेगमाल। ये देखिए, 320 नंबर है, ये भी वाटरप्रूफ है। अगर आपको सामान नोट करना है, तो सामान नोट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले वुड फिलर लगाया था, तो उसको आप किसी कॉपी पर लिख लीजिए कि पहले आपको वुड फिलर लगाना है। उसके बाद में 2 हमने रेगमाल लगाए हैं, और ये तीसरा रेगमाल लग रहा है। 80 नंबर लगाया था, फिर 220 नंबर, फिर 320 नंबर का रेगमाल। इस तरीके से जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे ही आपको मैं सामान भी दिखाता जाऊंगा कि क्या क्या सामान लगाना है। तो आप उसको नोट करते जाइए किसी कॉपी पर। हम इसके ऊपर 2 कलर करने हैं, इसलिए हम इसके ऊपर टेप लगा रहे हैं। एब्रो टेप है, मास्किंग टेप भी कहते हैं इसको, एब्रो कंपनी का नाम होता है। अभी हम इसके ऊपर कलर करना है, 2 कलर करने हैं। एक ये हमारे पास है चारकोल वुड स्टेन, ये 100 ग्राम की पैकिंग है, इसकी MRP है 50 रुपये। दूसरा हमारे पास है वॉलनट वुड स्टेन, इसकी भी MRP है 50 रुपये। ये हम वॉलनट डाल रहे हैं इसमें, और दूसरे में हम चारकोल मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम थिनर भी मिक्स करेंगे इसको पतला करने के लिए। थिनर आप कोई भी ले सकते हैं, NC थिनर ले सकते हैं, या फिर PU थिनर भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको लाख दाना से कलर चढ़ाना है, तो लाख दाना से भी कलर चढ़ा सकते हैं। देखिए, लाख दाना है, इससे भी कलर चढ़ा सकते हैं। तो अभी हमें कपड़ा लेना है मलमल का। सबसे पहले हम चारकोल का प्रयोग कर रहे हैं, और इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये देखिए, इस तरीके से मारेंगे तो पूरा हमारा कलर सेट हो जाएगा। पहली बार में इसका आप 1 या 2 कोट ही मार सकते हैं, बाकी सीलर मारने के बाद में आप चाहे तो इसको डार्क कर सकते हैं। अभी हमें इसके ऊपर 1 या 2 कोट ही अप्लाई करने हैं। ये देखिए, इस तरह का हो गया है कलर, बाकी आप चाहे तो और भी डार्क कर सकते हैं। वैसे तो इससे ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्राउन काले टोन पे है, तो डार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा वॉलनट है, वॉलनट वुड स्टेन, इससे ब्राउनिश टोन आएगी, वॉलनट ब्राउन टोन आएगी इससे। ये देखिए, तो अभी हमारा कलर सेट हो चुका है पूरा। अभी हमें इसके ऊपर सीलर अप्लाई करना है। सीलर हम एशियन पेंट्स का यूज करेंगे, एशियन प्यू लग्जरी वुड फिनिश। ये देखिए, वुड टच प्यू लग्जरी वुड फिनिश फॉर एक्सटीरियर, ये बाहर के लिए है, और इसकी MRP 729 रुपये है।
इसमें सीलर का और ग्लोसी का और मैट का डब्बा सारा सेम ही होता है, उसके ऊपर खाली लिखा होता है कि ये ग्लोसी है और ये सीलर है। ये हमारे पास सीलर है तो हम इसी का प्रयोग कर रहे हैं। बनाने का तरीका है, 1 लीटर में 200 ग्राम हार्डनर और लगभग 200 ग्राम तक ही थिनर, पीयू थिनर डालना होता है इसको बनाने के लिए। थिनर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन हार्डनर आपको बराबर ही डालना पड़ेगा। कंपनी आप कोई दूसरी भी यूज कर सकते हैं, हम एशियन पेंट्स का ही यूज कर रहे हैं, बाकी आपके यहाँ जो भी मार्केट में अवेलेबल हो। तो ये हमने बना लिया है माल, सीलर बन चुका है हमारा। ये हमारा 3 इंच का ब्रश है, हम ब्रश से अप्लाई कर रहे हैं, बाकी आप चाहें तो स्प्रे गन से भी कर सकते हैं। प्रोसेस सारा सेम ही होता है स्प्रे से करने का और ब्रश से करने का। ब्रश से ये है कि हमें कोट थोड़े से ज़्यादा लगाने पड़ते हैं क्योंकि ब्रश से उतना माल नहीं लग पाता है। बाकी अगर आप स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो उससे भराई जल्दी हो जाती है, जैसे कि इसमें आपको 4 कोट लगाने पड़ेंगे और उस अगर स्प्रे से करेंगे तो 2 कोट में ही इसकी पूरी भराई हो जाएगी। चलिए अभी मैं इसके ऊपर 2 कोट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखिए हमारे 2 कोट हो चुके थे और ये सूख भी गया है पूरा, ये देख सकते हैं आप। अभी इसकी भराई नहीं हुई है, अभी हमें इसके ऊपर रेगमाल लगाना है, 320 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल लगाना है इसके ऊपर। इस तरीके से थोड़ा दबा के मार देना है, बस कलर नहीं निकलना चाहिए, बाकी पूरा दबा के मार देना है ताकि ब्रश के निशान कट जाएं। तो अभी देखिए मैंने इसकी सैंडिंग कर ली थी और इसको साफ भी कर लिया है कपड़े से। अब अगर आपको इसके ऊपर कलर चढ़ाना है तो कलर भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट सीलर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट ही इसके ऊपर सीलर लगा रहा हूँ, सीलर के अभी 2 कोट और करने पड़ेंगे हमें, सीलर के टोटल 4 कोट लगाने होते हैं। बाकी आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं या कम भी लगा सकते हैं, ये लकड़ी के ऊपर डिपेंड होता है। जब तक कि लकड़ी की नस नहीं भरती है तब तक इसके ऊपर सीलर मारते रहना होता है हमें। चलिए मैं सीलर से पूरी भराई कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने सीलर मार दिया था और ये सूख भी गया था, अब इसके ऊपर हमें 320 नंबर का रेगमाल लगाना है। यह रेगमाल आप पानी से भी लगा सकते हैं और सूखा भी लगा सकते हैं। अभी इसको अच्छी तरह दबा के लगा देना है ताकि ब्रश के सारे निशान कट जाएं। उसके बाद में इसको कपड़े साफ कर लेना है और फिर हमें इसके ऊपर टॉप कोट अप्लाई करना है। ये देखिए इस तरह का रेगमाल लग चुका है हमारा। अभी हम इसके ऊपर टॉप कोट अप्लाई करेंगे जो कि ग्लोसी है, एक्सटीरियर ग्लोसी। एक तरीका सेम ही है, 1 लीटर में 200 ग्राम हार्डनर और लगभग 200 ग्राम तक ही थिनर, थिनर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन हार्डनर आपको पूरा ही डालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ही माल हमने लिया है और इसमें हार्डनर मिक्स करेंगे, फिर इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है। इसके हमें 3-4 कोट मारने पड़ेंगे लास्ट वाले के भी, अगर आप ब्रश से करते हैं तो 3-4 कोट, बाकी आप अगर स्प्रे से करते हैं तो 1 कोट में भी फाइनल हो सकता है, बाकी आप 2 कोट भी मार सकते हैं इसके ऊपर। 1 कोट के बीच में 7-8 घंटे का गैप होना ज़रूरी है अगर आप स्प्रे से करते हैं, बाकी अगर ब्रश से करते हैं 2-3 घंटे का गैप दे दें। तो देखिए अभी हमने मार लिया था इसके ऊपर, सूखने के बाद में इसके ऊपर हम अभी 1-2 कोट और अप्लाई करेंगे। तो देखिए अभी सूख चुका है, अभी हम इसके ऊपर और 2 कोट अप्लाई कर देंगे। चलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हमने इसके ऊपर 4 कोट ग्लोसी के मारे थे तो इस तरह की शाइनिंग आ गई है इसके ऊपर, लेकिन अभी इसमें दाने हैं और ब्रश के निशान भी हैं, तो उसको मिटाने के लिए हमें इसके ऊपर कंपाउंड करना होगा। कंपाउंड ये देखिए, ये रबिंग कंपाउंड है, आप कंपाउंड कोई भी यूज कर सकते हैं, 3M का भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसकी सैंडिंग करनी पड़ेगी 600 नंबर रेगमाल से, 1000 नंबर रेगमाल से और 2000 नंबर रेगमाल से। सबसे पहले हमें 600 नंबर का रेगमाल लगाना है इसके ऊपर, पानी के साथ में रेगमाल यूज करना है। ये पूरे निशान हमें मिटा देने हैं, जो भी दाने दोनों दिख रहे हैं वो काट देने हैं और जो ब्रश के निशान हैं वो भी 600 नंबर रेगमाल से पूरे मिटा देने हैं, नहीं तो आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी। बाकी अगर आप स्प्रे गन का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए आप 1000 नंबर और 2000 नंबर के रेगमाल का ही प्रयोग करें। स्प्रे से करने पर आपको 600 नंबर रेगमाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रेगमाल हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि थोड़ा सा काम जल्दी हो जाए, कटाई जल्दी हो जाए। अभी 600 नंबर का रेगमाल लग चुका है हमारा, अब इसको साफ करके देख लेंगे, अगर पूरे निशान मिट गए होंगे तो हम इसके ऊपर 1000 नंबर का रेगमाल लगाएंगे। तो निशान इसके सारे जा चुके हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं, तो वो भी 1000 नंबर और 2000 नंबर के रेगमाल से कट जाएंगे। ये 1000 नंबर का रेगमाल है, इसका प्रयोग करेंगे हम, इसको भी पानी के साथ में ही लगाना है और इसको थोड़ा दबा के लगा देना है।
उसके बाद में 2000 नंबर का रेगमाल। यह रेगमाल भी थोड़ा सा ज़्यादा यूज करना है आपको, क्योंकि सारा फिनिशिंग वाला काम यही करता है। अगर इस रेगमाल में कमी रह गई लगाने में तो शाइनिंग पूरी नहीं आएगी, शाइनिंग कम रहेगी उसकी। रेगमाल लगाने के बाद में इसको साफ कर लेना है कपड़े से, पूरा पानी सुखा देना है। तो अभी देखिए हमने पूरा सुखा दिया था इसको और इसकी पूरी शाइनिंग ख़त्म हो चुकी है। अभी हमें इसके ऊपर कंपाउंड यूज करना है। ये देखिए ये निपोन पेंट का है कंपाउंड, बाकी आप किसी और कंपनी का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए 3M का है मरीन पेस्ट, कोई भी कंपाउंड आप यूज कर सकते हैं। इसमें कंपाउंड और पॉलिश दोनों मिक्स होती है एक में ही, जो निपोन का है और 3M का है। और इस तरीके से पूरी पॉलिश के ऊपर हमें लगा देना है। इसको आप कपड़े से भी लगा सकते हैं और फिर इसके ऊपर हमें कपड़ा रगड़ना है, या फिर आप चाहे तो बफिंग मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं इसकी शाइनिंग लाने के लिए। बफिंग करने के लिए ग्राइंडर आता है, उसका अगर आप प्रयोग कर लेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप हाथ से करेंगे तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिनिशिंग आपको सेम ही मिल जाएगी। तो इसको रगड़ते रहना है जब तक कि पूरी शाइनिंग नहीं आ जाती है। तो चलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये वॉलनट कलर है हमारा और ये दूसरा चारकोल है जो कि बेंगे टोन पे है। ये पूरा फिनिश हो गया है, पूरा हाई ग्लोस फिनिश हो गया है। इसके ऊपर अगर आप हाथ लगा रखेंगे तो आपका हाथ स्लिप कर जाएगा, इतनी फिनिशिंग आ गई है इसमें। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बिल्कुल हाई ग्लोस फिनिश है और इसमें कोई भी निशान नहीं है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।